हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कैंडी फोर्स कैप्सूल के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में ये कैप्सूल्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है, साथ ही जानेंगे उसका डोज क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, फिर जानेंगे कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ किया जाए या नहीं किया जाता। तो सीखते हैं डिटेल में ये वीडियो लेक्चर के अंदर कैंडी फोर्स कैप्सूल्स के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, उनके PDF एंड PPTs फार्मरॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड करके ये मेडिसिन कोर्स जो है वो एक्सेस कर पाओगे कि जिसके अंदर आप सीखेंगे मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो अभी डाउनलोड करिए ऐप और स्पेशल ऑफर का खास आप बेनिफिट उठा सकते हैं कि अभी आप समझो कि ये कोर्स परचेस करते हैं तो अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा, वो भी एक साल तक। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए ये नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जो फार्मरॉक्स का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है। तो अब समझते हैं कैंडी फोर्स कैप्सूल्स के बारे में। तो कैंडी फोर्स कैप्सूल जो है वो एंटी फंगल मेडिकेशन है कि जो बहुत सारे अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो फंगस के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कैंडी फोर्स जो है वो एंटी फंगल मेडिकेशंस की कैटेगरी के अंदर आता है, और ये जितने भी अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसके इलाज में ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। उसके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में समझे तो मैनकाइंड फार्मा जो है उसके मैन्युफैक्चरर है, कि यहाँ पे आप देखो मैनकाइंड का लोगो देख सकते हैं कि मैनकाइंड फार्मा जो है इसके मेन मैन्युफैक्चरर है, और उसके अंदर जो कोई मेडिकेशन है एंटी फंगल ड्रग कौन से ऐड किया गया है तो वो है इट्राकोनाजोल। तो ये खास आपको याद रखना है कि कैंडी फोर्स तो उसका ब्रांड नेम है, कि यहाँ पर आप देखो कैंडी फोर्स 100 और कैंडी फोर्स 200 करके ये दो ब्रांड नेम है कि जो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स ने दिए हैं, बट उसके अंदर जो मेन सॉल्ट कंपोजिशन है वो है इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स, और इट्राकोनाजोल जो है वो एंटी फंगल मेडिकेशन है। तो इसके दो स्ट्रेंथ अवेलेबल है, एक 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में कैंडी फोर्स 100 अवेलेबल है और दूसरा 200 मिलीग्राम स्ट्रेंथ के अंदर कैंडी फोर्स 200। तो दो अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल है ये मेडिकेशन के। तो मैनकाइंड फार्मा के बारे में समझे तो ये इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और मैनकाइंड जो है वो बहुत सारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स बनाती है, जैसे कि वो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, साथों साथ जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए जो अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए भी मेडिकेशंस डिज़ाइन करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, डर्मल मतलब कि हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, और इरेक्टाइल डाइफंक्शंस के लिए भी मैनकाइंड के बहुत सारे मेडिकेशंस और प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो आगे समझते हैं ये मेडिकेशंस के बारे में कि कैंडी फोर्स 100 वर्सेस 200 में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कैंडी फोर्स के कैप्सूल्स की जो 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में है, जिसके कारण उसको जो है वो ब्रांड नेम के अंदर नाम दिया गया है 100। 100 का मतलब होता है कि ये इसके अंदर 100 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन प्रेजेंट है ये इट्राकोनाजोल का। उसी तरह से जो कैंडी फोर्स 200 है उसके अंदर 200 मिलीग्राम जो है इट्राकोनाजोल जो है वो प्रेजेंट है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डोज का डिफरेंस है कि इसको लेने से आपको 100 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन मिलता है, जबकि ये जो है वो इसके अंदर रहता है 200 मिलीग्राम मेडिकेशन। अब समझते हैं कि इट्राकोनाजोल क्या है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं केमिकल स्ट्रक्चर, तो ये जो है वो इट्राकोनाजोल का केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये पाउडर जो है वो इट्राकोनाजोल मेडिसिन का ये पाउडर है कि जो एंटी फंगल मेडिकेशन है और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके अंदर जो मेन बेसिक रिंग स्ट्रक्चर होता है वो है एजोल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो एजोल रिंग कंटेनिंग ये एंटी फंगल मेडिकेशन जो है वो कहा जाता है, और जो फंगल के कारण होने वाले इन्फेक्शन एज वेल एज जो हम यीस्ट इन्फेक्शंस कहते हैं
उसको प्रिवेंट भी करता है और साथों साथ उसके ट्रीटमेंट के अंदर ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। और बहुत सारे उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म होते हैं कि यहाँ पे हम कैंडी फोर्स के कैप्सूल्स के बारे में सीखेंगे, बट इट्राकोनाजोल मेडिकेशंस के ओरल सस्पेंजन्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, उसके टॉपिकल क्रीम्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल है। और ये क्या करती है, जो फंगस की ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देता है, कि जिससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो जाता है और फंगस इन्फेक्शन में से आपको जो है वो रिलीफ मिलता है। तो अब हमें समझना है कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में कैंडी फोर्स के जो कैप्सूल्स है वो यूज़ किए जाते हैं। तो कैंडी फोर्स कैप्सूल जो है वो स्पेशली अलग अलग जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी आप देखो कि फंगल इन्फेक्शंस आपके लंग्स के अंदर हुआ है कि जो आगे जाके आपकी पूरी बॉडी में भी फैल सकता है, तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं कि स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस जो हमारे लंग्स के अंदर, मतलब कि हमारे फेफड़ों के अंदर जो फंगल के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसके इलाज में कैंडी फोर्स के कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर आप यहाँ पे देखो जो टो नेल की, हमारे जो पैर के जो फिंगर्स होते हैं उसमें जो नेल है, कि यहाँ पे ये वाला नेल देखो आप और ये वाला, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये फिंगर नेल आपके हैं कि आपके हाथ के नेल आप देखो, नाखून देखो, या फिर आपके पैर के नाखून, तो वहाँ पे जब ये फंगल इन्फेक्शन होता है और वो समझे कि टॉपिकल क्रीम्स लगाने से क्योर नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये कैंडी फोर्स के जो कैप्सूल्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आगे समझे तो जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर, जो माउथ के अंदर, कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये डायग्राम के अंदर कि ये वाला जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपके ओरल कैविटी के अंदर है, कि यहाँ पे ये माउथ के अंदर आप देख सकते हैं। उसी तरह से आगे जाके वो आपके थ्रॉट के अंदर भी आगे ये इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। तो ऐसी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए कि ये जो फिर आगे थ्रॉट रीजन से आके आगे आपके इसोफेगस तक जो है ये इन्फेक्शन आगे फैल सकता है, तो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आगे बढ़ने से और उसको ठीक करने के लिए भी कैंडी फोर्स कैप्सूल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर जो ओरल कैंडिडायसिस जो हम कहते हैं, या फिर ओरोफेरिंगियल कैंडिडायसिस जो कहा जाता है, कि ओरल कैविटी में भी और आपके फेरिंग्स के रीजन में भी पहुंचता है, इसोफेगस तक समझो कि ये पहुंच जाता है इन्फेक्शन, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। फिर अभी जो हमने बात किया था कि जो एस्पारजिलोसिस की जो कंडीशन होती है, कि जिसके अंदर स्पेशली लंग्स के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, कि यहाँ पे आप बाजू के डायग्राम के अंदर खास नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे फेफड़ों के अंदर, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो एस्पारजिलोसिस जो फंगाई आती है उसके कारण ये जो फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर फैला हुआ है। फिर ब्लास्टोमाइकोसिस की जो कंडीशन होती है, कि यहाँ पे आप देखो इस तरह से ये जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है कि आपके नोज़ के रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए, कि जिसको ब्लास्टो और माइकोसिस कहा जाता है, कि ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिडिस जो स्पोर्स होते हैं फंगल के उसके कारण ये इन्फेक्शन फैलता है। फिर कोकाइडियो डोमाइकोसिस जो है, कि यहाँ पे ये जो कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं जो थर्ड डायग्राम के अंदर है, तो ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है, तो उसके भी इलाज के लिए ये कैंडी फोर्स के जो कैप्सूल्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आगे समझे उसके दूसरे मेडिकल यूज़, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस की जो कंडीशन है, कि इस तरह से जो आपके बॉडी के ऊपर फंगल इन्फेक्शंस जो ऐसे दाने दाने जैसे देखने को मिलते हैं, तो ये होने का रीजन्स होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम करके जो फूग आती है, फंगस आती है, उसका समझो कि आपको संक्रमण हुआ है तो उसके कारण हिस्टोप्लाज्मोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। तो ये डिसीज़ के इलाज में भी कैंडी फोर्स के कैप्सूल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर और पैराकोकाइडियो आइडोमाइकोसिस की जो कंडीशन है, कि जिसको पीसीएम कहा जाता है, कि ये वाली कंडीशन पीसीएम, कि यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरह से और जो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये भी पैराकोकाइडियोइडिस जो है उसके जीनस के कारण होता है फंगस के, तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। अब समझते हैं उसके डोज एंड यूज़ के बारे में, कि किस तरह से आप उसका प्रॉपर डोज यूज़ करें,
कि जिससे जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हो जाती है। तो अब समझते हैं उसके डोज के बारे में। तो डोज में आप समझो कि जो लोडिंग डोज होता है, कि लोडिंग डोज मतलब कि जब जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो उसके फर्स्ट 3 दिन तक जो है थेरापी के पेशेंट जो है वो 200 मिलीग्राम जितनी मेडिकेशंस लेता है ओरली 3 times a day। मतलब कि 200 मिलीग्राम जितना आप लेते हैं दिन में 3 times 3, मतलब कि टोटल 600 मिलीग्राम जितना मेडिकेशंस आपके बॉडी के अंदर जाएगा। और टोटल जो है वो आप इसके 3 capsules जो है खाएंगे, कि समझिए कि 200 मिलीग्राम का है तो ये वाला कैंडी फोर्स 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट आती है वो पेशेंट जो है वो इस तरह से लेगा फर्स्ट 3 days तक। आगे की तरफ समझो आप लोडिंग डोज के बाद जो मेंटेनेंस डोज होता है, तो मेंटेनेंस डोज जो है वो पेशेंट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है कि ओरली वंस अ डे या फिर 2 times a day। ओडी मतलब कि वंस अ डे, बीडी मतलब कि दिन में 2 बार। तो 200 मिलीग्राम जो है वो पेशेंट दिन में एक ही बार लेगा, या फिर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है तो 2 बार भी दिन में वो ले सकते हैं उसके बाद। तो पहले 3 दिन के बाद डोज जो है उसका इस तरह से हो सकता है, समझो कि 200 मिलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं तो 101 हो सकता है या फिर 100, मतलब कि दिन में एक ही बार या फिर दिन में 2 बार। बट मेंटेनेंस जो होता है पहले 3 दिन तक ये वाला रहेगा कि दिन में 3 बार जो है वो कैप्सूल्स लेते हैं पेशेंट कैंडी फोर्स की। अब बात करें उसके लोअर डोज की, तो लोअर डोज के लिए कैंडी फोर्स का ये 100 मिलीग्राम का कैप्सूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, कि जो खासकर पेशेंट बीडी मतलब कि दिन में 2 बार लेते हैं इस तरह से कि 101। तो 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार लिया जाएगा कि जो उसका लोअर डोज है, कि समझो कि माइनर इन्फेक्शन है तो उस वक्त ये 200 मिलीग्राम के कैप्सूल्स लेने की ज़रूरत नहीं रहती, 100 मिलीग्राम से भी जो है वो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा इन्फेक्शन है कि काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है फंगल इन्फेक्शन, तो उस वक्त इट्राकोनाजोल के 200 मिलीग्राम के कैप्सूल्स यूज़ किए जाते हैं। ड्यूरेशन देखिए थेरापी के, कि कितने महीने तक पेशेंट ले सकता है, तो एटलीस्ट 3 months तक, कि 3 महीने तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है। और जब तक लेबोरेटरी टेस्ट कराने के बाद उसका जो रिज़ल्ट कम्प्लीटली नेगेटिव ना आ जाए तब तक इसकी ट्रीटमेंट जो है वो चलती रहती है। और रेगुलरली जो है वो पेशेंट को डायग्नोसिस किया जाता है, कि जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह डेवलप हो रहे हो तो दूसरे अल्टरनेटिव जो रेजिमेंस होते हैं वो उसको प्रीफर कर सके। तो जब तक कम्प्लीट क्योर ना हो जाए इन्फेक्शन बॉडी में से और कम्प्लीटली नेगेटिव टेस्ट ना आ जाए तब तक ये मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट लेते हैं। और मैक्सिमम 3 महीने तक जो है वो ये थेरापी चलती है इट्राकोनाजोल की। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में ये कैंडी फोर्स के कैप्सूल्स यूज़ किए जाते हैं या नहीं। तो क्लिनिकल स्टडी की जो बात करें तो उसमें ये मेडिकेशंस जो है वो रिस्क दिखाती है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करते हैं। बट कुछ रिजल्ट ऐसे कि उसमें कोई रिस्क दिखा है या कुछ रीज़न में नहीं देखा गया, बट FDA ने उसको कैटेगरी C लेबल दिया गया है, कि कुछ स्टडीज़ के अंदर जो है वो रिस्क नहीं देखा गया, नॉट डिटेक्टेड, और कुछ केसेस के अंदर रिस्क जो है वो देखने को मिला है। तो इसको जो है वो कैटेगरी C के अंदर रखा है, मतलब कि प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आएगा कि अवॉइड करनी चाहिए ये मेडिकेशन को प्रेगनेंसी के दौरान, कि जिससे कोई जो है वो आपको रिस्क ना हो प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज जो सेफ दूसरे मेडिकेशन से एंटी फंगल्स के अंदर वो आप जो है वो प्रीफर कर सकते हैं, या फिर टॉपिकल मेडिकेशंस जो है वो यूज़ की जा सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। अब बात करें कि कैंडी फोर्स किस तरह से काम करता है। तो कैंडी फोर्स क्या करता है कि जो फंगल सेल जो होते हैं उनको अपना सेल मेम्ब्रेन जो है बनाना होता है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि ये आप देखो कि ये है आपका ये फंगल सेल, कि ये पूरा जो आप सेल देख रहे हैं तो उसके आसपास ये जो पूरी बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए किसी भी फंगल को या फिर किसी भी फंगस को ज़रूरत पड़ती है अर्गोस्टेरॉल की। तो अर्गोस्टेरॉल कैसे बनता है, तो वो बनता है लेनोस्टेरॉल में से। तो लेनोस्टेरॉल में से समझो कि आपको अर्गोस्टेरॉल बनाना है तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है ये एंजाइम की, जिसका नाम है लेनोस्टेरॉल 14α-D-methylase नाम का ये एंजाइम जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होने से लेनोस्टेरॉल में से अर्गोस्टेरॉल बन जाता है। और
लेनोस्टेरोल आगे बनता है स्क्विलिन में से। तो स्क्विलिन में से जब लेनोस्टेरोल बन जाता है और लेनोस्टेरोल में से आपको अर्गोस्टेरोल बनाना है, तो ये एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो मेडिकेशन कैंडी फोर से वो क्या करेगा, ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको कम्प्लीटली कर देता है बंद। तो अब कंडीशन ये होती है कि ये मेडिकेशन क्या करेगा कि लेनोस्टेरोल जो 14 अल्फा डीमिथाइलेज जो है उसकी एक्टिविटी को कम्प्लीटली बंद कर देता है, कि जिससे लेनोस्टेरोल में से आगे ये अर्गोस्टेरोल जो है वो नहीं बन पाता। अर्गोस्टेरोल ना बने तो ये फंगल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो आगे जाके नहीं बनते, जिसके कारण ये फंगल सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है कम्प्लीटली, ये सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो मेडिकेशन है कैंडी फोर्स की, जिसके अंदर इट्राकोनाजोल मेडिकेशन है, वो अपना काम करती है। तो खास उसकी इफेक्ट रहती है ये लेनोस्टेरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज, और ये एंजाइम को ये कर देता है इनहिबिट, उसकी इफेक्ट को ब्लॉक करके अपनी जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो देता है। अब समझना जरूरी है ये कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट। तो एक तो नौसिया हो सकता है और उसके साथ आपको वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, कि कुछ लोग ये मेडिकेशंस लेने के बाद नौसिया वॉमिटिंग जैसा जो है वो फील करते हैं, कि जी मचलना, उल्टी वगैरह हो जाना, एब्डोमिनल पेन भी कुछ लोगों को जो है वो नोटिस किया गया है, रैसेस डेवलप हो जाते हैं, हेडेक जैसी कंडीशन डेवलप होती है कुछ लोगों के अंदर, कि जिसको हम कहते हैं सर दर्द हो जाना। फिर कुछ केसेस के अंदर जो है वो डायरिया की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, वीकनेस आ जा सकती है, कि सर दर्द तो हो ही आपको बट साथ में आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस वगैरह जो है वो देखने मिलता है। ये है उसके कॉमन साइड इफेक्ट, कि जो नॉर्मल साइड इफेक्ट कह सकते हैं, कि इसके कोई ऐसे हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे नहीं होती। बट आगे जो उसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट है वो समझना जरूरी है। तो ये मेडिकेशन जब आप यूज़ करते हैं तो उस वक्त रेगुलरली और लीवर का डायग्नोसिस करवाना जरूरी है, बिकॉज़ ये मेडिकेशन लंबे समय तक यूज़ करने से और जो है वो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। तो खास समझो कि ये मेडिकेशंस की ट्रीटमेंट चल रही है तो रेगुलरली जो है वो आप खासकर लीवर के जो टेस्ट जो कराने चाहिए, लीवर का डायग्नोसिस कराना चाहिए, कि लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। और कुछ भी ऐसा लग रहा है तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद कर देना चाहिए और दूसरे एंटी फंगल्स ट्राई करनी चाहिए। फिर अगर आपका लीवर ऑलरेडी ख़राब है, लीवर फेलियर है, तो भी उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स है किसी को तो भी ये मेडिकेशंस यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हार्ट के ऊपर उसकी असर हो सकती है और ज़्यादा। या फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर और एनाफाइलेक्सिस जैसा देखने को मिलता है, तो ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कुछ केसेस के अंदर ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं कैंडी फोर्स के कारण। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखें तो अगर आपको नीचे वाली कंडीशंस है तो ये मेडिकेशंस को यूज़ ना करें, डू नॉट टेक। तो पहला कंडीशन है कि पेनफुल कंडीशन, कि जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कि न्यूरॉन्स रिलेटेड जो पेनफुल कंडीशंस, की जो आपके लेग्स और आपके आर्म्स, मतलब कि आपके हाथ और पैर के आई जो न्यूरॉन्स होती है वहाँ पे पेनफुल कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है, ऐसी कंडीशन के आप पेशेंट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, तो यूज़ ना करें। हियरिंग लॉस का आपको प्रॉब्लम है कि आपको ऑलरेडी कम सुनाई देता है तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। फिर आपका जो ब्लड है ब्लड का जो सप्लाई है वो हार्ट के अंदर कम हो रहा है, और वो भी ऑक्सीजन वाले ब्लड का, कि लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, कि जो आपके हार्ट को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है उसका सप्लाई कम है, तो ऐसे कंडीशन वाले पेशेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर आपके हार्ट के वाल रिलेटेड डिसीजेज हैं तो भी यूज़ ना करें। फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। और कंडीशन जैसे कि एब्सेसिस हुए हैं आपके स्टमक एसिड रिलेटेड तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर जब भी ये कैंडी फोर्स के मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो है वो एंटासिड मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि H2 ब्लॉकर्स भी उसके साथ दिए जाते हैं, या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, कि जिससे कोई एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो पेशेंट को। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द कैंडी फोर्स। अब समझते हैं उसके कुछ वार्निंग्स। तो
इट्राकोनाजोल जो है वो क्या कर सकता है कि आपके स्टमक के अंदर डिक्रीज करवा सकता है स्टमक एसिड को। तो ये खास ध्यान रखें कि इट्राकोनाजोल में डिक्रीज योर स्टमक एसिड एंड इट्राकोनाजोल में डिक्रीज योर किडनी फंक्शन। किडनी के जो फंक्शन से वो करवा सकता है या फिर स्टमक एसिड। तो कुछ केसेस के अंदर स्टमक एसिड जो है वो रिड्यूस करवा देता है, कुछ केसेस में स्टमक एसिड बढ़ भी जाता है कि जिससे एब्सेसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर किडनी के जो फंक्शन है उसको डिक्रीज करवाता है। विजिबल वाटर रिटेंशन के जैसे प्रॉब्लम करा सकता है इट्राकोनाजोल। फिर एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो हो सकती है कि अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है और समझे कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो वो एबनॉर्मल आ सकता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के लिए भी ये मेडिकेशन रिस्पॉन्सिबल बनती है। और मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज के लिए ज़रूर से डाउनलोड करिए फार्मारोक्स की, जहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने कैंडी फूड्स के बारे में सीखा, ऐसे बहुत सारे मेडिकेशंस के बेसिक यूज़ के बारे में सीखे, उनके डोज के बारे में सीखे, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वार्निंग्स क्या होते हैं, तो ये आप सीख पाओगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फार्मारोक्स के ऐप ऊपर की, जो मेडिसिन की जानकारी आपको मेरे लिए मिलेगी काफ़ी सरल भाषा में। तो डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स को एक्सेस करें फार्मारोक्स के ऐप ऊपर अफोर्डेबल प्राइस में, कि डाउनलोड करें आप फार्मारोक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन अपन ऐप स्टोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर ये नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ज़रूर से डाउनलोड करिए ऐप फार्मारोक्स। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।